यहाँ मैं हूँ शशि राणा जी के सामने। तो ये ना एक ऐसा मेरे मन में था, मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहा था कि सीवेज ट्रीटमेंट गंगा का, वो भी जी। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या क्या करते हैं आप? इसमें बेसिकली क्या है कि जहाँ वहाँ पे जो भी होटल, धर्मशाला या इस तरीके के जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनके टॉयलेट से हम सारा ये थ्रू पाइपलाइन कलेक्ट करते हैं पंपिंग स्टेशंस में, तब इसको ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाते हैं, जहाँ पे इसको हम ट्रीट करके तो जो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ CPCB उसको फुलफिल करके तब हम इसको आउटलेट के थ्रू दोबारा गंगा जी में डालते हैं। तो आप जो कचरा गंगा में उसी हालत में आता, उसे आप रोक कर, उसे ट्रीट कर कर, उसे साफ करके फिर आप गंगा में छोड़ते हैं जी। तो इसमें तो रोज का मतलब बहुत दूर होता होगा सीजन टाइम पे, कितने लोग आते हैं, सब धर्मशालाएं फुल होती हैं, बहुत तो दिक्कत होती है। और क्या ये होटल्स और धर्मशालाएं और आश्रम जो हैं, ये लोग कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल कोऑपरेट करें, उन्हीं के कोऑपरेशन से आज हम इस ट्रीटमेंट प्लांट को सक्सेसफुली चला पा रहे हैं। क्या बात है। तो नमामि गंगा आपको सपोर्ट करता है या किस तरह से आप लोग आपस में साथ में काम करते हैं? नमामि गंगे से हमें बेसिकली फंडिंग होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे वाह, तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आपको? मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। और ये है कि यहाँ पे जो हमने गंगोत्री में एक MLD का STP बनाया है। MLD मतलब एक आम इंसान को आप समझा, मेजर को ये टेक्निकल भाषा समझ ही नहीं आती। मिलियन लीटर्स पर डे, तो 1 million liters पर डे का जो गार्बेज है। अरे बाप रे, तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। सुपर। तो कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, जो लोग बड़ी आस्था के साथ में वहां जाते हैं और आप लोगों के ऊपर इतना लोड छोड़ के आते हैं कि उनके जाने के बाद में आप सफाई करते रहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से, अपने लेवल से जितना कम गंदगी करें, अपनी गंगा माँ को बचाए रखें, उतना अच्छा है। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।